नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहूणं मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतमोगणे मंगलं कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलं सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः समय साराय सानुभूत्या चकासते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे वंदे तो सव सिद्धे धूमचल मणोवरम गतिम पत्ते बोच्छामि समय पाहुड़मीणमोषुत केवली भणिदम। समय सार की छठी गाथा अपनी चल रही है और छठी गाथा में जो विषय है बहुत बढ़िया है। प्रश्न किया आचार्य से कि ऐसा शुद्ध आत्मा कौन है जिसका स्वरूप जानना चाहिए। मैंने पांचवी गाथा में उन्होंने ये कहा कि मैं एकत्व विभक्त शुद्ध आत्मा को अपने निज वैभव से दर्शाऊंगा। तो शिष्य ने तुरंत प्रश्न खड़ा कर दिया कि को सो शुद्ध आत्मेति चेत, वह शुद्ध आत्मा कौन है जिसका स्वरूप मुझे जानना चाहिए। तो उसके उत्तर में ये छठी गाथा का जन्म हुआ और छठी गाथा में सच में उन्होंने अपना पूरा प्रतिज्ञा वाक्य पूरा कर दिया। यानी जैसे उन्होंने कहा कि ये जो आत्मा है ज्ञायक भाव है, जिसे ज्ञायक भाव कहते हैं, एकत्व नहीं अप्रमत्त प्रमत्त नहीं, ये उन्होंने विभक्त स्वरूप बताया। एकत्व विभक्त आत्मा की बात है ना, तो विभक्त विभक्त में क्या लेंगे कि प्रमत्त और अप्रमत्त नहीं, इसका नाम है विभक्त। और एक ज्ञायक भाव है, ये उसका अस्थि स्वरूप है कि वो एक ज्ञायक भाव है। ज्ञायक भाव ये अस्थि और प्रमत्त और अप्रमत्त नहीं, ये हुआ नास्ति। और इस प्रकार के प्रमत्त और अप्रमत्त वो नहीं है, इस प्रकार उसे शुद्ध कहा गया है। और जो ज्ञात वो तो वही है, मैंने जो ज्ञायक रूप से ज्ञात हुआ वो तो वही है। अभी ये जो बात आई कि प्रमत्त अप्रमत्त नहीं है, इसको अपन तीन चार तरह से समझेंगे अलग अलग। टीका पे तो बाद में लेंगे, इसको पहले ऊपर से अपन समझते हैं कि जैन दर्शन में, क्योंकि शुरू में टीका में भी अनादि अनंत कहकर के बात को सिद्ध किया कि आत्मा ज्ञायक भाव कैसा है, तो उन्होंने अनादि अनंत कहा। तो अपन इसको समझेंगे कि चार प्रकार के काल होते हैं, काल की अपेक्षा समझते हैं पहले अपन इसको कि चार प्रकार के काल होते हैं, यानी भूत वर्तमान भविष्य उसकी बात नहीं है। चार प्रकार के काल कौन से होते हैं? एक होता है अनादि अनंत। तो अनादि अनंत माने, अनादि माने जिसकी शुरुआत नहीं और अनंत माने जिसका कभी अंत नहीं, ऐसा होता है। एक होता है काल अनादि अनंत। दूसरा होता है अनादि शांत, अनादि से तो है लेकिन जिसका अंत आ जाता है, ऐसा अनादि शांत। तीसरा कि सादी शांत, कि मतलब शुरुआत भी है, सा आदि आदि भी है और अंत भी है, ये तीसरा काल हुआ। और चौथा काल हुआ सादी अनंत, मतलब शुरुआत तो है लेकिन अंत नहीं है। तो अब ये जब चार कालों में अपन इन प्रमत्त अप्रमत्त भाव और ज्ञायक भाव को रखते हैं, तो ज्ञायक भाव अनादि अनंत है। माने ज्ञायक भाव की ना तो शुरुआत हुई है कभी और ना तो कभी ज्ञायक भाव का अंत आने वाला है, वो अनंत काल तक सादी अनंत ने अनादि अनंत काल तक वो ज्ञायक भाव ज्यों का त्यों, वैसा का वैसा नहीं, वही का वही, वही का वही, वही का वही का मतलब होता है, वैसा का मतलब तो ये होता है कि जैसी पर्याय पहले थी वैसी पर्याय फिर प्रकट हो गई, नई प्रकट हुई लेकिन वैसी की वैसी हुई, ये वैसा का वैसा नहीं, ये तो वही का वही है। अब वही का वही वैसा का वैसा में अपन क्या समझे कि जैसे एक बालक होता है ना, तो बालक का एक बहुत बढ़िया खिलौना है, बहुत ब्रांडेड खिलौना है, अच्छा बहुत कीमती खिलौना है, और किसी दूसरे बालक से वो खिलौना टूट गया। घर में दो चार बालक होते हैं तो बालक दूसरे बालक से टूट गया, तो जिसका खिलौना था वो बालक रोने लगा। तो उसके पिताजी ने कहा बेटा रोता काहे को है, मैं ऐसा का ऐसा खिलौना तुझे और ला के दे दूंगा, घबराता क्यों, तू अपने पास क्या कमी है, ऐसा का ऐसा खिलौना लाके दूंगा।
तो बालक कहता है मुझे ऐसा का ऐसा नहीं चाहिए, मुझे वह का वही चाहिए। तो वह का वही तो ला नहीं सकता हूं, तो वह का वही माने जो अनादि काल से था वही आज है, और जो आज है वही अनंत काल तक रहेगा। तो ऐसा तो है अपना ज्ञायक भाव। और जो अनादि शांत है तो प्रमत्त दशा माने विकार, राग द्वेष मोह पुण्य पाप, ये जो विकार का परिणाम है, ये विकार का परिणाम एक एक समय करके तो अनादि से चला आ रहा है लेकिन इसका अंत आ जाएगा। तो ये विकार ज्ञायक भाव क्यों नहीं हो सकता? कि ज्ञायक भाव अनादि अनंत है। यदि ये विकार अनादि अनंत हो तो ये आत्मा में सम्मिलित हो सकता है, लेकिन ये अनादि अनंत नहीं है। अब दूसरी साधक दशा की निर्मलता प्रकट हुई, साधक दशा की निर्मलता प्रकट हुई, सम्यक दर्शन हुआ, साधक दशा हुई, श्रावक दशा हुई, मुनि दशा हुई, ये जो साधक दशा बोलते हैं ना अपन इसको, कि ये प्रकट हुई तो ये अनादि से नहीं थी, नई प्रकट हुई है, ये हो गई शादी। और अनंत काल तक ये नहीं रहेगी, क्यों? क्योंकि जब पूर्ण दशा प्रकट हो जाएगी तो पूर्ण दशा प्रकट होने पर ये इस साधक दशा का अंत हो जाएगा। तो साधक दशा उत्पन्न हुई है और साधक दशा का पूर्ण दशा होने के पहले अंत हो जाएगा। तो अपूर्ण निर्मलता, इसको यूं कह सकते हैं अपन, अपूर्ण निर्मलता इसकी शुरुआत है और इसका अंत है। तो ये अपूर्ण निर्मलता ये अप्रमत्त भाव में आती है, तो इसका अंत भी हो जाता है और इसकी शुरुआत भी है। और ज्ञायक भाव कैसा है? कि ज्ञायक भाव अनादि अनंत है। तो ये सादी, ये जो सादी शांत वाली दशाएं हैं, ये दशाएं भी ज्ञायक भाव नहीं हो सकती, क्योंकि ज्ञायक भाव हो तो वो अनादि अनंत होना चाहिए। अब पूर्ण निर्मलता की पर्याय प्रकट हुई, केवल ज्ञान प्रकट हुआ, केवल ज्ञान की दशा प्रकट हुई। केवल ज्ञान की दशा प्रकट होने के बाद शुरुआत तो हुई लेकिन उसका अंत कब आएगा? केवल ज्ञान का अंत आएगा कभी? केवल ज्ञान का अंत कभी नहीं आएगा। तो जब केवल ज्ञान का अंत कभी नहीं आएगा, इसका मतलब वो सादी है और अनंत है। तो दो तरह, अब पर्यायों के तीन प्रकार हो गए, कि कुछ पर्याय अनादि से है लेकिन अनंत काल तक नहीं है, कुछ पर्याय अनादि से भी नहीं है और अनंत काल तक भी नहीं है, कुछ पर्याय माने प्रकट हुई है लेकिन अनंत काल तक रहेगी, माने अनंत काल तक तो रहेगी लेकिन अनादि से नहीं है। तीन तरह से हो गए ना, अनादि से है, अनंत काल तक नहीं है, अनादि से भी नहीं है और अनंत काल तक भी नहीं है, और तीसरा कि अनंत काल तक रहेगी लेकिन अनादि से नहीं है। तो जो अनादि से हो और अनंत काल तक नहीं रहे, जो अनादि से भी नहीं हो और अनंत काल तक भी नहीं रहे, जो अनंत काल तक तो रहे लेकिन जिसकी शुरुआत हुई हो, माने जो अनादि से नहीं हो, कि वे पर्याय, वे प्रमत्त अप्रमत्त की दशाएं ज्ञायक भाव कैसे हो सकती है? क्योंकि ज्ञायक भाव तो अनादि अनंत है। तो वो दशा अनादि, माने वो दशा ज्ञायक भाव हम कह सकते हैं कि जो दशा ज्ञायक भाव जैसा अनादि अनंत है वैसी वो दशा भी अनादि अनंत हो। तो ऐसी तो कोई दशा न तो विकारी दशा अनादि अनंत, न तो विकारी दशा अनादि अनंत है, न अल्प विकारी दशा अनादि अनंत है, और न पूर्ण निर्विकारी दशा अनादि अनंत है। अनादि अनंत कौन है? एक ज्ञायक भाव है। इस काल की अपेक्षा से अपन देखें तो कोई भी पर्याय मात्र ज्ञायक भाव में सम्मिलित नहीं होती। ये पॉइंट एक, तो पॉइंट ये है इसका। अब दूसरा पॉइंट इसमें लेते हैं अपन, मैं चार पांच पॉइंटों से इसको सिद्ध करते हैं पहले अपन, कि दूसरा पॉइंट इसका लेते हैं अपन सात तत्व। कि सात तत्व के माध्यम से ये कैसे सिद्ध होगा कि ज्ञायक भाव प्रमत्त अप्रमत्त नहीं है? ठीक है, तो ज्ञायक भाव कौन सा तत्व हुआ? ज्ञायक भाव हुआ जीव तत्व। ठीक है, अब ज्ञायक भाव जीव तत्व और प्रमत्त दशा कौन सी तत्व है? कि वो अशुद्ध पर्याय है ना, तो अशुद्ध पर्याय है तो वो होगी आश्रव बंध पुण्य और पाप तत्व। क्योंकि वो कौन सा तत्व है? वो आश्रव बंध पुण्य पाप तत्व, क्योंकि विकारी पर्याय है वो। प्रमत्त दशा वो विकारी पर्याय है, तो वो आश्रव बंध और पुण्य पाप तत्व होगी। और ज्ञायक भाव तो कैसा तत्व है? कि ज्ञायक भाव तो जीव तत्व है, तो एक तत्व दूसरे तत्व रूप नहीं होता। अगर ज्ञायक भाव उस आश्रव बंध पुण्य पाप रूप हो जाए
या पुण्य पाप आश्रय बंद ज्ञायक भाव रूप हो जाए तो अपन कह सकते हैं कि ज्ञायक भाव में प्रमत्त भाव प्रमत्त दशा है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। इसी तरह जो अप्रमत्त दशा है कि वो अप्रमत्त दशा सात तत्वों में से कौन सा तत्व है, संवर तत्व, निर्जरा तत्व और मोक्ष तत्व, और ज्ञायक भाव तो कौन सा तत्व है कि जीव तत्व। जीव तत्व संवर तत्व रूप नहीं होता, निर्जरा तत्व रूप नहीं होता और मोक्ष तत्व रूप नहीं होता, क्योंकि अगर जीव तत्व संवर निर्जरा और मोक्ष तत्व रूप हो जाए तो दो तत्वों का नाश हो जाएगा। और इसी तरह संवर निर्जरा मोक्ष तत्व यदि वो जीव तत्व रूप हो जाए तो संवर निर्जरा मोक्ष का नाश हो जाएगा। चाहे जीव संवर निर्जरा रूप मोक्ष रूप हो तो जीव का नाश, और संवर निर्जरा मोक्ष यदि जीव तत्व रूप हो तो इन संवर निर्जरा मोक्ष का नाश। माने सात तत्वों की सिद्धि तभी हो सकती है कि जब एक तत्व दूसरे तत्व रूप ना हो। तो इस अपेक्षा से भी अपन विचार करें तो ज्ञायक भाव प्रमत्त और अप्रमत्त नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रमत्त और अप्रमत्त में आश्रव बंध पुण्य पाप संवर निद्रा मोक्ष तत्व आ जाते हैं। तो दूसरा प्रकार ये हो, पहला प्रकार हुआ काल की अपेक्षा से सिद्ध हुआ, दूसरा सात तत्व की अपेक्षा से सिद्ध हुआ। अच्छा, अभी तीसरा प्रकार इसका, कि तीसरा प्रकार अपन लेते हैं पांच भाव की अपेक्षा से, कि जो पांच भाव होते हैं ना, औपशमिक भाव, छायिक भाव, क्षोभसम भाव, औदयिक भाव और पारनामिक भाव, ये पांच भाव अपने जिनशासन में बताए गए हैं, पांच भाव जीव के पांच भाव। तो अभी जो प्रमत्त और अप्रमत्त दशा है, ये जो प्रमत्त और अप्रमत्त दशा है ये आती है चार भावों में, चार पर्याय रूप चार भावों में इन दशा का समावेश होता है, भी बताता हूं मैं। और जो 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 ज्ञायक भाव है तो वो ज्ञायक भाव कहलाता है परम पारनामिक या पारनामिक भाव। ज्ञायक भाव को कहते हैं पारनामिक भाव। और प्रमत्त दशा, प्रमत्त दशा कौन से भाव में आएगी, कि प्रमत्त दशा आएगी औदयिक भाव में। औदयिक भाव में मैंने कर्म के उदय से होने वाला भाव, तो कर्म ये दशा आएगी औदयिक भाव में। अच्छा, और अप्रमत्त दशा किसमें आएगी, कि अप्रमत्त दशा में अपूर्ण पूर्ण निर्मल पर्याय आ जाती है, अपूर्ण और पूर्ण निर्मल पर्याय। तो ये अप्रमत्त दशा कौन से भाव में आएगी, कि उपशम भाव में आएगी, क्षोभसम भाव में आएगी और छायिक भाव में आएगी, ठीक है। और ज्ञायक भाव किसमें आएगा, कि ज्ञायक भाव पारनामिक भाव में आएगा। तो पांच भाव रूप कब रह सकते हैं, ये जो पांच भाव कहे अपन ने, कि पांच क्यों कहे, कि एक भाव दूसरे भाव रूप नहीं होता, पारनामिक भाव औदयिक भाव रूप नहीं होता, औपशमिक भाव रूप नहीं होता, क्षोभसम भाव रूप नहीं होता और छायिक भाव रूप नहीं होता। क्यों? क्योंकि यदि पारनामिक भाव इन चार भावों रूप हो जाए तो पारनामिक भाव का अभाव हो जाएगा, और ये चार भाव पारनामिक भाव रूप हो जाए तो इन चार भावों का अभाव हो जाएगा। इससे सिद्ध हुआ कि पारनामिक भाव ज्ञायक भाव है वो पारनामिक भाव है, और प्रमत्त और अप्रमत्त दशा ये औपशमिक आदि चार भावों रूप है, और एक भाव दूसरे भाव रूप नहीं होता, इसलिए ज्ञायक भाव कभी भी प्रमत्त और अप्रमत्त रूप नहीं होता, और प्रमत्त और अप्रमत्त दशाएं कभी ज्ञायक भाव रूप नहीं होती। ये तीसरा प्रकार, ये कितने एंगल से ये बात सिद्ध होती है, काल की अपेक्षा सिद्ध किया अपन ने, तत्वों की अपेक्षा अपन ने सिद्ध किया, पांच भावों की अपेक्षा सिद्ध किया। अब एक चौथा प्रकार और है इसका, कि लक्षण की अपेक्षा से सिद्ध करें अपन इसको, कि लक्षण किसे कहते हैं, कि उस पदार्थ में पाया जावे वो, जिस पदार्थ का हम लक्षण बना रहे हैं, जो लक्षण है वो उस पदार्थ में तो पाया जावे और उस पदार्थ के अलावा अन्य पदार्थ में नहीं पाया जावे, एक बात। दूसरी बात कि उस पदार्थ में मतलब जैसे जीव का हम लक्षण बना रहे हैं तो वो जीव का लक्षण हर जीव में पाया जाना चाहिए, मतलब कुछ जीवों में पाया जावे और कुछ जीवों में नहीं पाया जावे तो वो लक्षण यथार्थ लक्षण नहीं है, है ना। तो अब अपन ज्ञाय लक्षण की अपेक्षा विचार करें कि
तो हम प्रमत्त दशा में हम लेवे जैसे मिथ्या दृष्टि, मिथ्या दर्शन, प्रमत्त मन विकारी पर्याय है ना, तो मिथ्या दर्शन को अपन जीव का लक्षण बनावे कि जीव का लक्षण क्या है, तो अपन कहेंगे साहब जीव का लक्षण मिथ्या दर्शन। तो इसमें कौन सा दोष आया, इसमें दोष आया अव्याप्ति। अव्याप्ति दोष क्यों आया नहीं। कि सभी जीवों में नहीं है, माना अगर आप मिथ्या दर्शन जीव का लक्षण बनाओगे तो जिन जीवों को मिथ्या दर्शन नहीं है उनको आपको अजीव मानना पड़ेगा। मिथ्या दृष्टि में तो पाया, मिथ्या दृष्टि में तो चलो मिथ्या दर्शन है, नहीं सम्य दृष्टियों में तो मिथ्या दर्शन नहीं, तो फिर सम्य दृष्टियों को जीव मानना कि नहीं मानना, अगर हमने मिथ्या दर्शन लक्षण बनाया। कोई कहे कि चलो जी हम मिथ्या दर्शन को लक्षण नहीं बनाते, हम तो सम्य दर्शन को लक्षण बना लेते हैं, कि सम्य दर्शन को लक्षण बनाओगे तो भी अव्याप्ति दोष आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि सभी जीवों में नहीं पाया जाता। मिथ्या सम्य दर्शन अगर हमने लक्षण बनाया तो निगोद से लेकर के मिथ्या दृष्टि जितने जीव हैं वो सब अजीव सिद्ध हो जाएंगे, तो मिथ्या दर्शन भी लक्षण नहीं बन सकता। कोई कहे कि हम अपूर्ण शुद्ध पर्याय को जीव का लक्षण बनाएंगे, संवर निद्रा को, यानी अपूर्ण शुद्ध पर्याय को हम जीव का लक्षण बनाएंगे, तो दो दो तरह के जीव निकल जाएंगे उसमें से, अरहंत सिद्ध भी निकल गए और मिथ्या दृष्टि भी निकल गए, क्योंकि मिथ्या दृष्टि में भी अपूर्ण शुद्ध पर्याय नहीं पाई जाती, और सिद्ध और अरहंत में भी अपूर्ण सिद्ध शुद्ध पर्याय नहीं पाई जाती, तो वो उनको फिर अपने को क्या मानना पड़ेगा, अजीव मानना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। अब इसके बाद पूर्ण शुद्ध निर्मल पर्याय को लक्षण बनाएंगे, हम तो केवल ज्ञान और सिद्ध दशा को जीव का लक्षण बनाएंगे, केवल ज्ञान और सिद्ध दशा को जीव का लक्षण बनाओगे ना तो निगोद से लेकर बारहवें गुणस्थान तक के जीवों को अजीव मानना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रमत्त और अप्रमत्त दशा का कोई भी भाव हो, अशुद्धता का भाव हो, अपूर्ण शुद्धता का भाव हो, पूर्ण शुद्धता का भाव हो, वो जीव का लक्षण नहीं बन सकता, क्योंकि उसमें अव्याप्ति दोष आता है। लेकिन हमने जीव का लक्षण बनाया कि जीव कौन है, तो हमने जीव का लक्षण बनाया कि ज्ञायक भाव वो जीव है। अब ज्ञायक भाव ये जीव का लक्षण बनाया तो निगोद से लगाकर सिद्ध दशा तक का कौन सा ऐसा जीव है जो ज्ञायक भाव नहीं है, सभी, तो सारे जीवों का समावेश हो गया। और जीव के अलावा कौन है जो ज्ञायक भाव है, कि जीव के अलावा कोई नहीं, तो ज्ञायक भाव क्या हुआ, जीव का निर्दोष लक्षण है ना। तो प्रमत्त और अप्रमत्त दशा जीव का लक्षण नहीं बन सकती, तो जो जीव का लक्षण नहीं बन सकता वो जीव कैसे हो सकता है, वो ज्ञायक भाव नहीं हो सकता। तो ये इसका तीसरा प्रकार है, चौथा प्रकार है, चार प्रकार हो गए, मैंने अभी काल की अपेक्षा से, सात तत्व की अपेक्षा से, पांच भाव की अपेक्षा से और लक्षण की अपेक्षा से, ये चार प्रकार तो ये सिद्ध किया। अब एक और प्रकार से सिद्ध करते हैं इसको कि ज्ञायक भाव प्रमत्त अप्रमत्त नहीं है, तो उसको कैसे सिद्ध करेंगे अपन, तो उसको ऐसे सिद्ध करेंगे नयों के आधार से सिद्ध करते हैं उसको, नए होते हैं ना नए, तो नयों के जिनागम में दो भेद होते हैं, एक होता है निश्चय नय और दूसरा होता है व्यवहार नय, बराबर। अब जिनवाणी में सारे जिनागम में निश्चय नय के दो भेद किए, कौन कौन से दो भेद किए, एक शुद्ध निश्चय नय और एक अशुद्ध निश्चय नय, बराबर, निश्चय नय के दो भेद किए, ठीक। अब अशुद्ध निश्चय नय एक प्रकार का और शुद्ध निश्चय नय के फिर तीन भेद किए, कौन से तीन भेद किए, एक देश शुद्ध निश्चय नय, साक्षात शुद्ध निश्चय नय और तीसरा है परम शुद्ध निश्चय नय। तो निश्चय नय के टोटल भेद कितने हो गए, चार। पहले मूल में दो भेद हुए, निश्चय अशुद्ध निश्चय और शुद्ध निश्चय, और फिर शुद्ध निश्चय के फिर तीन भेद हुए, अपूर्ण माने एक देश शुद्ध निश्चय ने, तो एक देश शुद्ध निश्चय ने माने क्या, कि जो अप्रमत्त भाव की अशुद्धता पर अप्रमत्त भाव की एक देश शुद्धता को विषय करे, एक देश शुद्धता से आत्मा को तन्मय बतावे, उसको बोलते हैं एक देश शुद्ध निश्चय ने। साक्षात शुद्ध निश्चय ने किसे बोलते हैं, कि जो आत्मा की अप्रमत्त दशा माने अप्रमत्त दशा में पूर्ण शुद्धता को विषय करें,
पूर्ण शुद्धता माने केवल ज्ञान, सिद्ध दशा वगैरह वगैरह, इनको विषय करे उसको बोलते हैं साक्षात शुद्ध निश्चय ने। परम शुद्ध निश्चय ने किसे बोलते हैं कि जो शुद्ध और अशुद्ध पर्यायों से रहित एक परम पारनामिक भाव, जिसको यहां पर ज्ञायक भाव कहा, कि उस ज्ञायक भाव को विषय करे उसको बोलते हैं परम शुद्ध निश्चय ने। और अशुद्ध निश्चय ने किसे बोलते हैं कि जो प्रमत्त दशा की अशुद्धता को विषय करे, तो उसको बोलते हैं अशुद्ध निश्चय ने। सारा जिनागम इसमें एक मत है, लेकिन पंचाध्यायकार दूसरी बात कहते हैं। पंडित राजमल जी साहब पांडे हैं पंचाध्याय के, तो वो ये कहते हैं कि जिनके मत में बुद्धि के अपराध से, ये शब्द का प्रयोग किया उन्होंने कि बुद्धि के अपराध से जिनके मत में निश्चय के भेद प्रभेद स्वीकार किए गए हैं वे सर्वज्ञ के मत से बाहर है। मतलब वो कहते हैं कि निश्चय के कोई भेद नहीं होते, निश्चय नहीं एक ही प्रकार का होता है। और जिनागम में निश्चय के कितने भेद बताए अभी अपन लोगों ने, चार भेद। तो पंडित जी अब ये दो शैलियां हमारे पास आई, इसमें से भी छठी गाथा निकलेगी। अब ये दो शैलियां आई कि जिनागम ये कहता है कि निश्चय नय के दो भेद, और फिर दो भेद में शुद्ध निश्चय नय के तीन भेद, ऐसे करके निश्चय नय के चार भेद। और पांडे राजमल जी कह रहे हैं कि निश्चय नय के भेद अगर तुम मानते हो तो तुम सर्वज्ञ की मत से बाहर हो। अब इन दोनों का समायोजन कैसे करें अपन, क्योंकि दोनों जिनवाणी है तो दोनों की बात को कट तो नहीं सकती, तो क्या है? तो उसका एक जिनागम में बहुत बढ़िया समाधान आया कि देखो अशुद्ध निश्चय ने एक दे अशुद्ध निश्चय ने की अपेक्षा से तो उसे अशुद्ध निश्चय ने कहेंगे, लेकिन एक देश शुद्ध निश्चय ने की अपेक्षा से उसे क्या कहेंगे, उसे व्यवहार कहेंगे। अशुद्ध निश्चय ने एक देश शुद्ध निश्चय ने की अपेक्षा से क्या हो गया, व्यवहार। ठीक, अब एक देश शुद्ध निश्चय ने साक्षात शुद्ध निश्चय ने की अपेक्षा से व्यवहार हो गया, और साक्षात शुद्ध निश्चय ने परम शुद्ध निश्चय ने की अपेक्षा से व्यवहार हो गया। और जिनवाणी यह कहती है कि परम शुद्ध निश्चय ने को व्यवहार करने की किसी की ताकत नहीं है। आगे ना, इसका मतलब क्या हुआ कि जो परम शुद्ध निश्चय ने के अलावा तीन प्रकार के निश्चय ने कहे थे वे अपनी अपनी अपेक्षा से तो निश्चय ने थे, लेकिन दूसरे नए की अपेक्षा, उससे आगे के नए, उसके उससे आगे वाले नए की अपेक्षा से क्या हो गए, वो व्यवहार हो गए। तो जो किसी अपेक्षा से निश्चय हो और किसी अपेक्षा से व्यवहार हो जाए तो उसे क्या बोलेंगे, उसे किसके खाते में डालना चाहिए? तो जिनवाणी कहती है कि उसे व्यवहार के खाते में डालना चाहिए। मैंने जो किसी अपेक्षा से निश्चय हो और किसी अपेक्षा से व्यवहार हो जाए वो व्यवहार है। तो तीनों प्रकार के निश्चय नए एक अपेक्षा से व्यवहार हो गए, और परम शुद्ध निश्चय ने का विषयभूत परम शुद्ध निश्चय ने के परम शुद्ध निश्चय ने ही एकमात्र निश्चय ने रहा। आगे ना, तो इसलिए परम पारनामिक भाव माने ज्ञायक भाव को विषय कौन करता है, कि ज्ञायक भाव को विषय करता है परम शुद्ध निश्चय ने। और इन प्रमत्त और अप्रमत्त दशा को विषय कौन करता है, कि प्रमत्त दशा अशुद्ध निश्चय ने का विषय है और अप्रमत्त दशा एक देश शुद्ध निश्चय ने अथवा साक्षात शुद्ध निश्चय ने का विषय है। वास्तव में ये तीनों के तीनों व्यवहार हैं, और व्यवहार सारा का सारा अभूतार्थ है। इसलिए प्रमत्त और अप्रमत्त दशा व्यवहार नय का विषय होने के कारण, व्यवहार नय अभूतार्थ होने के कारण ये प्रमत्त और अप्रमत्त दशा अभूतार्थ है, और भगवान परम पारनामिक भाव जो ज्ञायक भाव जिसे छठी गाथा में कहा कि वो ही एकमात्र परम शुद्ध निश्चय नय का विषय है, और परम शुद्ध निश्चय नय ही एकमात्र शुद्ध निश्चय नय एकमात्र निश्चय नय है। इस अपेक्षा से परम पारनामिक भाव ही एकमात्र बचता है। परम पारनामिक भाव में प्रमत्त और अप्रमत्त दशा के भेद वो तो व्यवहार नय का विषय हो गया, व्यवहार नय का विषय हो गया, तो वो व्यवहार नय का विषय परम शुद्ध निश्चय नय के विषय में नहीं आता। तो इस अपेक्षा से भी ज्ञायक भाव की
प्रमत्त और अप्रमत्त से भिन्नता सिद्ध होती है। गुरुदेव श्री तो ऐसा बोलते हैं कि प्रमत्त और अप्रमत्त नहीं हूं, या ज्ञायक भाव प्रमत्त और अप्रमत्त नहीं है। ये प्रमत्त अप्रमत्त कहकर कौन सी पर्याय ऐसी बची जिसको आचार्य ने बाकी रखा, कि प्रमत्त और अप्रमत्त में सारा पर्याय समुदाय आ गया। वो पर्याय समुदाय विकारी हो, वो पर्याय समुदाय अविकारी हो, वो पर्याय समुदाय अपूर्ण हो, वो पर्याय समुदाय पूर्ण हो, निर्मल हो, अनिर्मल हो, मिथ्या दर्शन हो, सम्यक दर्शन हो, मिथ्या चारित्र हो, सम्यक चारित्र हो, है ना, अल्प ज्ञान हो, केवल ज्ञान हो, संसार दशा हो, सिद्ध दशा हो, कोई भी पर्याय दशा हो, तो वो प्रमत्त और अप्रमत्त में चली जाती है। और ज्ञायक भाव उनसे न्यारा है, इसलिए ज्ञायक भाव प्रमत्त और अप्रमत्त नहीं है। इतनी बात आचार्य भगवान ने पहले सिद्ध की, इतनी बात वो कहना चाह रहे हैं इसके अंदर। अब ये इतना कहने के बाद, इतनी तरह से अपन ने सिद्ध किया, अब इसके बाद अपन टीका पढ़ते हैं। अब टीका में कितनी गजब की बात ली है। टीका, जो स्वयं अपने से ही सिद्ध होने से, अर्थात किसी से उत्पन्न हुआ न होने से, कि ज्ञायक भाव कैसा है, कि वो स्वयं अपने से ही सिद्ध है। सिद्ध का मतलब सिद्ध भगवान नहीं, अपने से ही साबित है। सिद्ध का मतलब उसकी साबिती, उसकी उसकी अस्थि, उसकी मौजूदगी, उसकी विद्यमानता किसी दूसरे के कारण से नहीं है। और जिस जो किसी दूसरे के कारण से नहीं होता, जो स्वतः सिद्ध होता है, वो अनादि अनंत होता है। जिसको किसी ने बनाया, तो जब नहीं बनाया था उसके पहले तो नहीं था। किसी ने बनाया, अगर मान लो किसी चीज को किसी ने बनाया, तो जब नहीं बनाया था तब तो नहीं था वो, तो फिर वो अनादि नहीं रहेगा, वो सादी हो जाएगा, वो सादी हो जाएगा, क्योंकि बनाया ना, उसके पहले नहीं था। तो ज्ञायक भाव को किसने बनाया, तो वो यहां पे कह रहे हैं कि किसी से उत्पन्न नहीं हुआ वो, मैंने किसी भगवान ने ज्ञायक भाव को बनाया, कर्मों ने ज्ञायक भाव को बनाया, कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ज्ञायक भाव तो अनादि से है, है और है। तो वो कह रहे हैं कि कभी, मैंने जो स्वयं अपने से ही सिद्ध होने से, अर्थात किसी से उत्पन्न न हुआ हुआ न होने से, अनादि सत्ता रूप है। कि ज्ञायक भाव कब से है, कि वो अनादि से है। अब कोई कहे कि चलो अनादि से तो है, लेकिन कभी न कभी तो अंत आएगा, हर चीज का अंत आता है, तो भले ही ठीक है शुरुआत नहीं है, भले ही वो अनादि से है, लेकिन कभी न कभी कहीं न कहीं तो उसका अंत आ जाएगा। जो अनादि होता है वही का वही वाला अनादि, एक एक समय राग, राग भी अनादि है, राग की अनादिता में, मैंने विकार की अनादिता में और ज्ञायक भाव की अनादिता में क्या अंतर है। अपन बोलते हैं ना कि राग कब से चला आ रहा है, कि राग अनादि से चला आ रहा है, और ज्ञायक भाव कब से, कि ज्ञायक भाव भी अनादि से। तो ज्ञायक भाव की अनादिता में और विकार की अनादिता में अंतर क्या है, अंतर है, बहुत अंतर है। क्या अंतर है, कि राग भाव अनादि से है लेकिन अनादि का नहीं है। दो बातें, दो शब्द का प्रयोग किया है। ज्ञायक राग भाव कैसा है, विकार कैसा है, कि अनादि से है लेकिन अनादि का नहीं है। क्या मतलब, कि हर समय नया 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 विकार होता है, और विकार की जाति भी बदलती है। एक सामान्य रूप से अपन बोलते हैं विकार अनादि से है, लेकिन हर समय विकार नया नया, कभी तीव्र मिथ्यात्व, कभी मंद मिथ्यात्व, कभी तीव्र कषाय, कभी मंद कषाय, है ना, कभी ज्ञान पर बहुत आवरण, कभी ज्ञान का आवरण बहुत खुल गया, मैंने कभी अक्षर के अनंत में भाग ज्ञान का उगाड़ रह गया, कभी ग्यारह अंग नौ पूर्व के ज्ञान का उगाड़ हो गया, कभी तीव्र मिथ्या दर्शन रहा, मैंने ग्रहित मिथ्या दर्शन में भी जीव चला गया, कभी मंद मिथ्या दर्शन की इतनी मंदता हुई कि नौवें ग्रेवक तक चला गया, कभी कषाय की इतनी तीव्रता कि सातों व्यसनों में जीव लग गया, और कभी कसाय की इतनी मंदता कि निरतिचार 28 मूल गुण का पालन किया। तो अना तो लेकिन लेकिन ये सब विकार था, विकार था। तो विकार की जाति में भी अंतर पड़ा, और विकार भी एक समय का विकार दूसरे समय नहीं रहता। किसी जीव ने इस समय मिथ्या दर्शन किया तो अगले समय यही मिथ्या दर्शन रहेगा, ऐसा नहीं है। अगले समय मिथ्या दर्शन होगा वो नया उत्पन्न होगा। अब वर्तमान में राग है
तो यही राग वर्तमान अगले समय में रहेगा, ऐसा नहीं होगा, अगले समय में नया राग उत्पन्न होगा। तो अनादि से तो है लेकिन अनादि का नहीं है, मतलब दो समय का विकार जीव के पास इकट्ठा नहीं हुआ, दो समय का मिथ्या दर्शन जीव के पास नहीं है, दो समय की कसाई की मंदता और तीव्रता नहीं है, दो समय का राग द्वेष मोह नहीं है। और ज्ञायक भाव कैसा है कि ज्ञायक भाव अनादि से भी है और अनादि का भी है, आ गया ना, अनादि का भी है और अनादि से भी है, माने वही का वही, 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 जिसको शास्त्रीय भाषा में बोलते हैं अन्वय, उसको क्या बोलते हैं अन्वय। तो वो अन्वय अनादि रूप है, वो अनादि से है और अनादि का है। अब ये जो रागादि भाव है ना, कि ये रागादि भाव भले अनादि से है लेकिन अन्वय नहीं है। अन्वय नहीं का मतलब क्या हुआ कि वही के वही नहीं है, ये कैसे है, व्यतिरेक है। व्यतिरेक का मतलब क्या हुआ कि एक समय में हो वो दूसरे समय नहीं हो, फिर दूसरे समय हुआ वो तीसरे समय नहीं है, जो तीसरे समय है वो चौथे समय नहीं है। तो ये अनादि से तो है लेकिन व्यतिरेक रूप अनादि से है। और ज्ञायक भाव कैसा अनादि से है कि ज्ञायक भाव अनादि से भी है और अनादि का भी है, मतलब वो अन्वय रूप अनादि का है। ये अंतर है इसमें, ज्ञायक भाव की अनादिता में और विकार की अनादिता में जमीन आसमान का अंतर है। क्योंकि बहुत से लोग ये बोल सकते हैं कि जैसे ज्ञायक भाव अनादि अनंत है, ऐसे अभव्य को तो कभी मोक्ष नहीं होने वाला, तो अभव्य का विकार भी तो अनादि अनंत है। कोई ऐसा प्रश्न करे कि अभव्य का विकार भी तो अनादि अनंत है, अनादि से है और अनंत काल तक रहेगा, तो आचार्य कहते हैं कि भले ही अनादि से है और अनंत काल तक रहेगा लेकिन वह का वही विकार नहीं रहेगा, हर समय बदलेगा, वो एक एक समय करके बदलता हुआ विकार होगा। और ये ज्ञायक भाव कि ये प्रति समय नहीं बदलता हुआ स्वभाव होगा, ज्ञायक भाव कभी नहीं बदलता ऐसा है, और विकार निरंतर बदलता है ऐसा है। इसलिए दोनों अनादि होने पर भी दोनों की अनादिता में और अनंतता में जमीन आसमान का अंतर, ये सब इसमें से निकलता है। फिर क्या कहा कि चलो जी अनादि से है लेकिन कभी तो नाश को प्राप्त हो जाएगा, अपने को विश्वास नहीं होता, अरे अनादि से कभी खत्म ही नहीं होगा, ऐसा कैसे हो सकता है, जो वस्तु है उसका तो कभी कभी तो अंत आना चाहिए। कि भाई साहब जिसको किसी ने उत्पन्न नहीं किया, माने जो उत्पन्न नहीं हुआ, विकार अनादि से है वो उत्पाद रूप है, इसको दूसरी तरह से समझे अपन, कि विकार अनादि से है वो उत्पाद रूप है और ज्ञायक भाव अनादि से है वो ध्रुव रूप है। वो कैसा है, ध्रुव रूप है। जो उत्पाद रूप होता है उसका व्यय होता है लेकिन जो ध्रुव रूप होता है उसका कभी व्यय नहीं होता। बहुत लॉजिक है इसमें, छठी गाथा में बहुत लॉजिक है कि ये है इसमें। अब फिर अब कोई कहेगा नहीं कभी तो नाश हो जाएगा, कि ना वो ध्रुव रूप है ना, तो कभी विनाश को प्राप्त न होने से अनंत है, कि ज्ञायक भाव कभी विनाश को प्राप्त नहीं होगा। गतियां बदलेंगी, संयोग बदलेंगे, परिणाम बदलेंगे, आकाश में रहने का क्षेत्र बदलेगा, कभी ऊर्ध्वलोक में जाएगा, कभी मध्यलोक में रहेगा, कभी अधोलोक में चला जाएगा, रहने का क्षेत्र बदलेगा, गतियां बदलेंगी, मनुष्य त्रिंश देव नार की गतियां बदलेंगी, परिणाम बदलेंगे, सब कुछ बदलेगा। नहीं बदलेगा तो क्या नहीं बदलेगा, एक ज्ञायक भाव नहीं बदलेगा, कभी उसका अंत नहीं आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, अपने को अमरता का वरदान मिल गया, अपने को अमरता का वरदान मिल गया। लोक में होता है कि नहीं होता कि किसी ऋषि ने किसी को वरदान दे दिया कि जाओ अब तुम कभी नहीं मरोगे, तो वो अपने को कितना गौरवान्वित अनुभव करता है। धारावाहिक में अपन देखते हैं वो से ऐसे धारावाहिक आते हैं कि तुमको अमरता का वरदान मिल गया कि तुम ऐसा होगा तो मरोगे, बाकी तुम कोई तुम्हें मार नहीं सकता। तो उसको अमरता का वरदान मिल जाए तो वो अमरता के जिसको अमरता का वरदान मिल जाए वो तो क्या करने लगता है, कुकर्म करने लगता है सब। यहां अपने को अमरता का वरदान मिला, इसका मतलब क्या कि जो सात प्रकार का भय होता है,
मरण का भय, अरक्षा का भय, अगुप्ति का भय इत्यादि जो सात प्रकार के भय होते हैं, सात प्रकार के भयों में सबसे बड़ा भय है मरण का भय। इससे बड़ा कोई भय नहीं होता। मैं मर जाऊंगा, मेरा नाश हो जाएगा, मेरा नाश हो जाएगा। आचार्य कहते हैं कि तुम्हारा कभी नाश होने वाला नहीं है। होगा क्या कि एक शरीर बदलेगा, दूसरा शरीर मिल जाएगा, दूसरा बदलेगा, तीसरा मिल जाएगा, या शरीर नहीं मिलेगा तो क्या अशरीरी दशा हो जाएगी। समाधि मरण का जब पाठ करते हैं ना, समाधि मरण बोलते हैं ना, तो वो कहते हैं कि तुम्हारे तो दोनों हाथ में लड्डू है। कैसे दोनों हाथ में लड्डू है? कि देखो, तुम समाधि मरण करके अपनी देह का परित्याग करोगे तो ये मनुष्य की देह तो कैसी है कि नव द्वार वहे घिनकारी असी देह करे किम यारी, कि ये जितना विश्व के अंदर जितनी गंदगी है उन सारी गंदगी का उद्गम स्थल ये मनुष्य का शरीर है। सारी गंदगी यहां पैदा होती है मनुष्य के शरीर में, जितनी गंदगी है। समाधि मरण से देह का त्याग, राग त्याग करके यदि तुम आत्मा की आराधना करोगे तो पंडित जी साहब ने लिखा समाधि मरण के पाठ में कि अगर भाई तुम आराधना करोगे तो तुम्हें नया शरीर मिलेगा और वो नया शरीर इससे बढ़िया होगा, वैक्रिक शरीर होगा, सप्त धातुओं रहित होगा, मलमूत्र आदि से रहित होगा। कि साहब शरीर नहीं मिला तो? नहीं मिला तो और बढ़िया है। क्यों? क्योंकि जिनको शरीर नहीं मिलता वो कौन होते? सिद्ध होते हैं। तो तुम सिद्ध तो बनना ही चाहते हो ना, तो नहीं मतलब नहीं मिला तो और बढ़िया। तो दोनों हाथ में लड्डू है कि मिलेगा तो इससे बढ़िया मिलेगा, नहीं मिलेगा तो सिद्ध हो जाओगे, तो घबराने की क्या जरूरत है? ऐसा कहकर के जीव को संबोधन किया। तुम तो अनादि अनंत हो ना। अपने आप जो वैराग्य पत्रिका लिखते हैं, किसी के मरण के समय वैराग्य पत्रिका लिखते हैं, उसमें अपन क्या लिखते हैं? उसमें अपन ये लिखते हैं कि अमुक 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 का देह परिवर्तन हो गया है। एक तो ये शब्द का प्रयोग करते हैं, मतलब देह परिवर्तन हुआ है, यानी इसका मतलब क्या हुआ? आत्मा तो अपरिवर्तनशील है, ये उस वैराग्य पत्रिका में लिखते हैं अपन लोग, भले गर्भित रूप से वो बात आती है। दूसरा क्या लिखते हैं अपन? दूसरा लिखते हैं कि उनका स्वर्गवास हो गया है। तो स्वर्गवास होने का मतलब क्या है? कि अभी तक कहां वास करते थे वो? कि अभी तक यहां वास करते थे, अभी कहां वास कर रहे हैं? कि स्वर्गवास कर रहे हैं। मतलब क्या हुआ? कि उनका आवास, उनके रहने के स्थान का पता बदल गया है। तो रहने के स्थान का पता बदलने से आत्मा का मरण कहां सिद्ध हुआ? ये हमारी भारतीय संस्कृति है, अभी धर्म की बात नहीं है इसमें। ये भारतीय संस्कृति में जो वैराग्य पत्रिका लिखने का हमारा तरीका है, तो वो वैराग्य पत्रिका लिखने का तरीका भी आत्मा की अमरता को बताता है। देह परिवर्तन हो गया है, स्वर्गवास हो गया है, ऐसा अपन बोलते हैं। तो उसमें भी आत्मा का नाश नहीं हुआ, ये बात सिद्ध हो जाती है। तो ये यहां पे कहते हैं कभी विनाश को प्राप्त न होने से कैसा है वो? तो वो कहते हैं कि वो अनंत है। अब ये तो प्रश्न, अब दो बातें हो गई, ये हो गया अनादि और अनंत। तो शिष्य कहता है कि साहब अनादि से है, अनंत काल तक रहेगा, हमें तो वर्तमान में चाहिए। तो वर्तमान की कोई व्यवस्था है आपके पास? तो उसका उत्तर दिया कि नित्य उद्योत रूप होने से क्षणिक नहीं है। ये वर्तमान की बात करी कि वर्तमान में कैसा है। अभी अगर हम उस आत्मा को देखें तो कैसा दिखाई देगा? कि नित्य उद्योत रूप दिखाई देगा। मतलब जो अनादि अनंत कहा ना, तो शिष्य को ऐसा लगा कि हमें उस आत्मा को पकड़ने के लिए भूतकाल और भविष्यकाल में जाना पड़ेगा, क्योंकि अनादि है। अनादि माने भूतकाल में था, वर्तमान में है और भविष्य में रहेगा। तो तीनों माने वो अनादि अनंत आत्मा को पकड़ने के लिए हमें तीनों कालों में जाना पड़ेगा। कह रहे ऐसा नहीं है। जिस समय हम आत्मा को पकड़ेंगे, जिस समय हम आत्मा की दृष्टि करेंगे, उस समय आत्मा हमारे को कैसा ख्याल में आएगा? कि नित्य उद्योत रूप होने से वह क्षणिक नहीं है। वो तो नित्य उद्योत रूप है। जिस समय तुम उसका लक्ष्य करो उसी समय वो तुम्हारे लक्ष्य में आएगा। आचार्य भगवान ये कहते हैं कैसा लक्ष्य में आएगा?
मैं अनादि अनंत चैतन्य हूं। वर्तमान में आत्मा का लक्ष्य होगा तो वर्तमान में कैसा आत्मा लक्ष्य में आएगा, मैं ध्रुव चैतन्य हूं, ऐसा आत्मा वर्तमान में लक्ष्य में आएगा। नित्य उद्योत रूप है, और नित्य उद्योत रूप है ना, इसलिए वो क्षणिक नहीं है, क्योंकि अगर क्षणिक होता तब तक तो मिट गया होता। निगोद की दशा में एक श्वास में 18 बार जन्मने मरने की घटनाएं घटी, और अगर आत्मा सच में नाश होने योग्य तत्व होता तो अब तक तो आत्मा का नाश हो गया होता, क्योंकि हम कह रहे हैं निगोद में भी कह रहे हैं ना 18 बार जन्मा और मरा, कि 18 बार जन्मा मरा ये सब व्यवहार के कथन है, क्योंकि अगर वो पहली बार में मर गया होता तो दूसरी बार फिर मरने के लिए कहां से आता, 18 बार जन्मा मरा कहां आता है, शास्त्र में आता है। तो अब प्रश्न करेंगे अपन के पहली बार वो मर गया माने उसकी सत्ता का नाश हो गया, उसकी सत्ता का अभाव हो गया, फिर दूसरी बार मरने के लिए कहां से आया, और दूसरी बार मरने के लिए आया माने दूसरी बार मरा, तो फिर पहली बार जो मरा था उसका क्या हुआ, तो कुछ नहीं। शरीर के संयोग संबंध की अपेक्षा से जन्म कहा जाता है, और शरीर के संबंध छूटने की अपेक्षा से मरण कहा जाता है। सच में आत्मा अजन्मा तत्व है, आत्मा अमर तत्व है, न आत्मा का कभी नाश होता है न आत्मा कभी उत्पन्न होता है। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं नित्य उद्योत रूप, फिर खाली ऐसा ही नहीं कि नित्य है, नित्य उद्योत रूप है मतलब प्रति समय वो भगवान आत्मा प्रकाशमान हो रहा है। मतलब क्या कि ज्ञान की पर्याय में हर समय वो ज्ञायक भगवान आत्मा जानने में आ रहा है, नित्य उद्योत रूप है ये, होने से वो क्षणिक नहीं है, ये वर्तमान की बात की। और कैसा है, और स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति है। अब इससे ज्यादा क्या लिखें, कैसी ज्योति है वो, तो वो कह रहे स्पष्ट प्रकाशमान है वो, तो कोई आत्मा का निषेध करता हो कि मैं नहीं हूं, तो मैं नहीं हूं मैंने अपनी अस्थि का निषेध करने के लिए भी पहले नंबर में उसे अपनी अस्थि स्वीकार करनी पड़ेगी, नहीं हूं कि मैं नहीं हूं, तो मैं नहीं हूं, हाँ हाँ तो मैं नहीं हूं मैं आया ना, कि मैं नहीं हूं मैं अपनी अस्थि आई कि नहीं आई, कि मैं नहीं हूं। कोई आदमी बोले कि जैसे किसी ने किसी के कर्जा लेने वाला था, कर्जा मांगने वाले बहुत थे और लोग आ करके घर पे परेशान करते, तो उसने अपने नौकर से कहा कि कोई भी आवे तो उससे बोल देना कि साहब घर पे नहीं है। अब नौकर बेचारा समझदार नहीं था, कोई आया तो उसने कहा साहब ने कहा है कि वो घर पे नहीं है, तो क्या हुआ उसमें कि उसकी अस्थि सिद्ध हो गई मैं नहीं हूं, ये मैं नहीं हूं मैं आया कि नहीं आया पहले नंबर में हो गई अस्थि सिद्ध। तो ये यहां पे कह रहे हैं कि स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति है। अब ज्योति जल रही हो और आंख बंद कर ले तो ज्योति का दोष है कि आंख का बंद दोष है, ज्योति तो जल रही है, ज्ञायक भगवान आत्मा ज्ञायक भाव वो तो स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति, वो कहते प्रकाशमान है, वो छुपा भी नहीं रहता उसका प्रकाश, क्यों, क्योंकि जानना हो रहा है ना, ये जानना किसका प्रकाश है। कोई कहता मैं नहीं जान रहा हूं कि नहीं जानना, ये जानना हो रहा है ना कि मैं नहीं जान रहा हूं, कि ये किसका प्रकाश है, कि उस ज्योति का प्रकाश। ऐसा कहा कि स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति है ऐसा, अब कैसा, ऐसा है ना, स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति है ऐसा, अब ऐसा में वापस तीन बातें लेंगे, वही कौन कौन सा, ऐसा माने कौन सा, कि जो स्वयं अपने से ही सिद्ध होने से अर्थात किसी से उत्पन्न न हुआ होने से अनादि सत्ता रूप है ऐसा, कभी विनाश को प्राप्त न होने से अनंत है ऐसा, नित्य उद्योत रूप होने से क्षणिक नहीं है ऐसा, और स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति है ऐसा, ये चार बातें लगेंगी इसमें। ऐसा कौन, तो कहा जो ज्ञायक, और ज्ञायक के बाद फिर क्या लिया, एक, एक के बाद क्या लिया, भाव है, तो ये ज्ञायक एक भाव है। ज्ञायक कितने भाव हैं,
गाय की कितनी अस्थि है कि गाय एक भाव है। तो एक भाव कहकर के आचार्य क्या कहना चाहते हैं कि प्रमत्त और अप्रमत्त दशा के अनेक भाव वो मैं नहीं हूं, क्योंकि मैं तो एक भाव हूं और ये भाव एक नहीं है, ये तो अनेक है। प्रमत्त अप्रमत्त, ये तो हमने दो तो हमने ही बोल दिए कि प्रमत्त और अप्रमत्त। फिर प्रमत्त दशा के भावों के कितने भेद, प्रमत्त दशा के भावों के कितने भेद, असंख्यात लोक प्रमाण विभाव के भेद है। राग देश मोह के प्रकार कितने, तुमने कहा लोक प्रमाण असंख्यात नहीं, असंख्यात लोक प्रमाण विभाव के भेद, असंख्यात लोक प्रमाण जो व्यवहार भाव तेई मिथ्यात भाव केवली उकतु है, ये सब आया अच्छे समझ। असंख्यात लोक प्रमाण के विभाव मिथ्यात्व है, तो मिथ्यात्व अनंत प्रकार का, कितनी तीव्र मंद 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 तीव्र 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 तारतम्यता रूप भेद अनेक प्रकार के पड़ेंगे। तो वो तो के और ऐसे अप्रमत्त दशा के भी अनेक भेद हैं, चौथे गुणस्थान की शुद्धता, पांचवें गुणस्थान की शुद्धता, चौथे गुणस्थान की शुद्धता में भी तारतम्य भेद, पांचवें गुणस्थान में भी तारतम्य भेद, ऐसे लगा करके अरंत दशा तक तो तारतम्य भेद पड़ेंगे। हां सिद्ध दशा में एक शरीर की शुद्धता रहेगी। तो ये इतने भेदों का निषेध करने के लिए आचार्य भगवान ने एक शब्द का प्रयोग किया कि मेरी अस्थि एक रूप है, मैं एक अस्थि हूं। वो कैसी अस्थि हूं मैं कि गायक एक भाव है, प्रमत्त अप्रमत्त दशा अनेक भाव है, तो एक भाव में अनेक भाव का अभाव है और अनेक भाव में एक भाव का अभाव है। ये इस टीका का पहला चरण यहां पूरा होता है। अब ऐसा एक भाव संसार दशा में कैसा क्या स्थिति है कि वो संसार दशा की स्थिति का वर्णन इसके बाद करेंगे। यहां पूर्ण विराम नहीं लगाया इन्होंने, लेकिन ये यहां तक आया ना कि गायक एक भाव है, ये पहला टुकड़ा इस टीका का पहला टुकड़ा। अब इसके बाद जो दूसरा टुकड़ा आएगा कि उस दूसरे टुकड़े में संसार अवस्था में क्या परिस्थिति बनी और उस परिस्थिति के काल में यदि हम गायक को देखें तो गायक कैसा है, वो बात अगले टुकड़े में वो करेंगे। एक एक चैप्टर यहां तक आया है आपका, अब इसमें कोई हो क्या प्रश्न हो इसमें कोई यहां तक में हाँ 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 तो ठीक है फिर वो बहुत बहुत।